तय करेंगे कि अब आगे फाइनल किया जाए हम लोग को सब लोग, और सब लोग मिल करके क्योंकि 24 में चुनाव इनका कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल ये व्याकुल हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा था। लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं और बिना जनता के आशीर्वाद दिए हुए बोल रहे कि हम ही फहरा हैं। इसका मतलब है कि ये व्याकुल भारत है और इनका दिन लग गया। उसी क्रम में अपने गृह जिला गोपालगंज, हमारा जो जिला है, मातृभूमि है और फुलवरिया और माँ थामे भगवती का दर्शन आशीर्वाद लेने के लिए हम शपथ ली आए हैं। फुलवरिया भी जाएंगे और वहाँ कल सुबह में पूजा करेंगे हम लोग जाकर थामे, और अपने गांव में भी हमारी माँ भगवती का मंदिर है बनाया, हमने स्थापना किया था शेरवाली माँ का भी दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, ग्रामवासियों का भी प्रणाम करेंगे नमस्कार। उसके बाद से वापस जाके और फिर वही महाराष्ट्र में फाइनल झंडा फहरा दिया जाएगा नरेंद्र मोदी। आगे वाली माता सर बार बार कुछ ना कुछ मांगते हैं, इस बार क्या मांगेंगे सर? चुनाव भी है लोकसभा का, लोकसभा का चुनाव का मतलब हम अपने लिए नहीं, देशवासियों के लिए। जो नरेंद्र मोदी 9 टर्म रहने के बाद कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, और वो नरेंद्र मोदी फिर वही काम 2000 के नोट को, लाल नोट को फिर उल्टा पुल्टा, पता नहीं क्या है उसमें रहस्य छिपा हुआ है, कभी अपना पैसा को फिर हमारे जवानों को जब्त करने के लिए फिर लोगों ने पिटीशन दायर किया हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट और न्यायपालिका पर हमने कोई वायलेशन नहीं किया है, जमीन पर ही हम छूते हैं, नहीं निकले चले, हमने बहुत सारे लोगों को जमानत दिया। बेटी ने अपना किडनी हमको डोनेट किया, डॉक्टर ले दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, चीन के रहने वाले हैं, और उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया। 3-4 महीना तक वहाँ रुके और उनका आशीर्वाद से डॉक्टर ने फिर छुट्टी देकर उन्हें जो छोड़ा डिस्चार्ज किया, तो अपने देश हम वापस आए, और तब से उनका दिया हुआ जो दवा है, सुझाव है, परहेज और मीठा नॉन वेज वगैरह नमनल लेना, उसका पालन न करता और वायलेशन भी हो जाता है, ये ऐसा तीर से तोड़ होता है। 3-4 बार लगभग आ रहे हैं गोपालगंज, और उसके बाद पटना में हम हैं रहते हैं, और देश में नरेंद्र मोदी भाजपा हटाओ देश बचाओ
के जो नारे थे, नारे क्या अब ये संकल्प हो चुका है, उसमें 18-19 पॉलिटिकल पार्टी, लाइक माइंडेड पार्टी, लोकतंत्र, जमहूरियत में विश्वास करने वाले वाली पार्टी, सेकुलर लोग इकट्ठे होकर के पटना से लेकर बंगलोर तक लगातार हम लोग बैठक किया और निर्णय लिया इंडिया इंडिया करके प्लेटफार्म बना है और इस पर हम लोग लेकर के अगला 30-31 तारीख को महाराष्ट्र में मुंबई में एक बैठक होने वाली है हम लोगों की, और उस बैठक में हम लोग सब लोग आपस में कोई ना कोई जल्दी से